नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रॉडकास्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत लोगों को मैसेज भेजते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी मैसेज आते होंगे, सुबह सुबह मैसेज आता है। तो ऐसे मतलब कैसे लोग भेजते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट। ये जो ग्रुप होता है, जो हमारा जो सिंपल ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, हम सारे लोग मिलके बात करते हैं एक साथ। लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी मैसेज कर सकता है और कोई भी उसको पढ़ भी सकता है। सारे लोग पढ़ सकते हैं, सारे लोग मैसेज कर सकते हैं। और जो ब्रॉडकास्ट है, उसका जो मेन जो मकसद है वो ये है कि आप एक ग्रुप बनाइए, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, और आप जो मैसेज भेजोगे वो सभी को इंडिविजुअल जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्रॉडकास्ट कैसे यूज करें। सबसे पहले हम व्हाट्सएप खोलेंगे। सबसे पहले हमें ये जो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर हमें जाना है। 3 डॉट को हमें क्लिक करना है। 3 डॉट को क्लिक करके इसमें एक जो ऑप्शन है वो है न्यू ब्रॉडकास्ट। अब ये देख लीजिए, न्यू ब्रॉडकास्ट को क्लिक करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट क्लिक करने के बाद हमें जो भी आपको ये जिसमें जोड़ना है, आपको जितने भी लोग आपको जोड़ने हैं, आप सबसे अच्छी बात ये है कि सर आप अपना ना एक फ्रेंड का ग्रुप बना लीजिए। जितने भी फ्रेंड ने सारे एक ग्रुप में डाल दीजिए, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको एक ग्रुप में डाल दीजिए, जितने भी कंपनी के लोग हैं उनको एक ग्रुप बना लीजिए, और जितने फैमिली मेम्बर हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए। मतलब आप सारे, जब मान लो आपके अगर 10 ग्रुप भी बन जाते हैं तो 10 लोगों को आपको एक बार में, कभी कभी क्या होता है, कुछ मैसेज हम फैमिली वालों को भेजते हैं और वो रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को भेजते हैं और फ्रेंड को नहीं भेजते, तो आप फैमिली वाले में क्लिक करके आप उसे भेज सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हमें दोस्तों को मैसेज भेजना होता है, फैमिली वालों को नहीं भेजना होता है, तो आप दोस्तों को मैसेज भेजने के लिए आप दोस्तों का अलग से ग्रुप बना लें। कभी कभी ये होता है कि हमें कंपनी वालों, जो हमारी कंपनी के फ्रेंड हैं उन्हीं को मैसेज करना होता है, तो आप जो कंपनी है आपका या कोई सर्किल है जो भी है, आप उसका ग्रुप एक अलग बना लें। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, इसमें कम से कम 2-3 लोग होने चाहिए इसमें। ऐसे करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने 6 लोगों को सेलेक्ट किया है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करिए। अब ये जो ग्रुप है हमारा वो बन गया है। अभी हमें इसको रीनेम करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको हमें रीनेम करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। ये जो पेन का जो निशान दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको रीनेम दे दीजिए, जैसे फ्रेंड में दे देता हूँ फ्रेंड। ये मैंने फ्रेंड नाम दे दिया है इसको, फ्रेंड्स। ओके कर दीजिए। अभी ये मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, आप इसमें अभी ऐसा नहीं है कि इसमें अभी हम ऐड नहीं कर सकते, अभी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, एडिट रेसिपिएंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी लोग आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करके आप जिस भी फ्रेंड को इसमें ऐड करना चाहते हो उसे ऐड करके, राइट का सिंबल है इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका ग्रुप बन जाएगा। ये आपका फ्रेंड के नाम से ग्रुप बन गया। इसी तरीके से आप कंपनी के जो फ्रेंड हैं उनका ग्रुप एक अलग बना लीजिए, और जो फैमिली के जो फ्रेंड हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए, फैमिली मेम्बर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लीजिए, और इस तरीके से ग्रुप बना लीजिए। जैसे कोई त्यौहार है, ईद है, दिवाली है, होली है, कोई भी त्यौहार है, तो उसी को आप एक मैसेज टाइप करिए या कोई भी टाइप करिए, उसके बाद आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए। इसको जैसे ये ग्रुप तो बन गया, अब हमें इसे यूज कैसे करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बैक जाइए, यहाँ पर बैक जाना है। ये ग्रुप है अपना,
इस ग्रुप में हमें जो भी मैसेज लिखना है ये सभी लोगों को अब इंडिविजुअल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा ग्रुप बन गया है, ये देखिए ये ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप आ गई। इसको हम क्लिक करेंगे, हेलो लिख के भेजता हूँ मैं, ये देखिए ये जो मैसेज है ये जितने भी इस ग्रुप में जो एम्प्लॉय जो भी आपने ऐड किया है वो सारे लोगों को चला जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए आकाश कश्यप ये इसमें ऐड हैं और आकाश पुणे करके इसमें ऐड है। मैं इनको दोनों का आपको दिखा देता हूँ, इसमें उनको यहाँ पर वो दिखेगा नहीं, यहाँ पर जो मैसेज गया है वो जहाँ पर आपका जो फाइल है वो वहीं पर रहेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अकिल आकाश अकिल करके भी एक बंदे थे उसमें, अकिल सर भी उसमें थे, ये देखिए आपको उसमें हेलो चला गया, ये देखिए। और ये जो वहाँ पर जहाँ पर ये फाइल है सबको इंडिविजुअल जाएगा। अब आपको अगर ये लोग हमें रिप्लाई करेंगे हाय हेलो अगर मैंने लिख के भेजा, वो भी अगर हेलो लिख के भेजेंगे, जैसे कि मान लो उन्होंने भेजा या मैंने भेजा, अलग से मैं इसको मतलब उनके जो अकाउंट है उसी में जाके मैं अगर हेलो लिख के भेजूँगा तो वो नंबर ना ऊपर आ जाएगा, जैसे हमारा आता है ये नंबर ऊपर आ गया ना। और अगर जैसे कि इसमें जो भी फ्रेंड हैं, जैसे आकाश करके जो फ्रेंड हैं इसमें, देखिए ये अकिल भी थे इसमें, आकाश करके हैं, आकाश का मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको भी मैसेज चला गया होगा, आकाश पुणे, ये देखिए इनको भी मैसेज चला गया है। और ये जो इनकी जो फाइल थी वो वहीं की वहीं है। अगर मैं इनको दोबारा से मैसेज करता हूँ इनके अकाउंट में जाके तो वो जो इनका जो अकाउंट है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसका यूज करके आप सुबह सुबह लोगों को विश करिए, और जितने भी फ्रेंड हैं फ्रेंड का ग्रुप बना लीजिए, रिश्तेदारों का बनाइए, बॉस हैं अगर आप बॉस हैं कंपनी में, और अपने एम्प्लॉयों को कोई भी इन्फॉर्म देना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस ब्रॉडकास्ट को यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते ना तो आप यूज करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों अगर इसको हम सेल्स पर्पज़ में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको फ़ोटो भेजने होते हैं रोज़ाना, तो आप एक एक करके फ़ोटो भेजेंगे तो आपको पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। आप इस तरीके से ग्रुप बना लीजिए और जितने भी लोग हैं उनको ऐड करिए, और आपको एक क्लिक में ही आप 256 लोगों को आसानी से मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरा हौसला बढ़ाना है तो मेरे जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।